सो आज हम इस वीडियो में किसी मूवी या फिर किसी मूवी के अपडेट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, मगर क्यों, बल्कि आज हम बात करेंगे दो बड़े सुपरस्टार की कल से शुरू हुई कंट्रोवर्सी के बारे में। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ रामचरण और SRK की कंट्रोवर्सी की। एक्चुअली परसों रात से शुरू हुई ये कंट्रोवर्सी जो मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग फंक्शन से जुड़ी हुई है। इस फंक्शन में SRK ने रामचरण के लिए कुछ ऐसा बोल दिया है जिसके कारण सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है और रामचरण के फैंस SRK से काफी नाराज है और ये कह सकते हैं कि इसके कारण एक बार फिर से साउथ वर्सेस नॉर्थ की जंग छिड़ गई है। क्या बात कर रहे हैं? तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए बताते हैं आपको कि ऐसा क्या हो गया है अनंत अंबानी के प्री वेडिंग फंक्शन में और ऐसा क्या बोल दिया है SRK ने रामचरण के लिए कि ये एक बिग कॉन्ट्रोवर्सी बन चुका है। Let's check it out. रामचरण कहाँ जो? चमिला साबड़ जा सो के मार रेड इडली रामचरण का भैया। Hey everyone, welcome to Film B. मैं हूँ एकता जानी। Let's talk about रामचरण and SRK controversy. So अभी ना मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का प्री वेडिंग फंक्शन चल रहा है गुजरात के जामनगर में, जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन और दुनिया की नामचीन हस्तियां इस फंक्शन को अटेंड कर रही है। कई बॉलीवुड स्टार्स ने इसमें स्टेज परफॉर्मेंस दिया है, जिसमें सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान ने भी अपना परफॉर्मेंस दिया है, जिसकी वीडियो क्लिप्स और पिक्चर्स बहुत वायरल हो रही है। तो अभी स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान RRR का ऑस्कर विनिंग सॉन्ग नाचो नाचो भी बजा, जिसमें तीनों खान ने इसका सिग्नेचर स्टेप करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनको उतना आया नहीं। तो क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो वहाँ पर रामचरण भी मौजूद थे तो SRK ने स्टेज पर रामचरण को इनवाइट किया। वहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से SRK ने रामचरण को स्टेज पर इनवाइट किया वो तरीका कहीं ना कहीं पब्लिक को पसंद नहीं आया। SRK ने रामचरण को ये कहा, रामचरण कहाँ है तू, इडली वड़ा रामचरण, आपने कहा था। बस ये बात रामचरण की मेकअप आर्टिस्ट को बुरी लग गई और उन्होंने तुरंत ही इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली, जिसमें उन्होंने SRK को एड्रेस करते हुए लिखा कि ये सुनते ही मैं वहाँ से तुरंत ही चली गई, ये रामचरण जैसे स्टार के लिए बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल बात है। फिर जेबा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि ये बड़ी दुख की बात है कि साउथ इंडियन एक्टर्स को उतनी वैल्यू नहीं मिलती जितनी दिल्ली और मुंबई वालों को मिलती है, हर कोई हमें कम पैसा देना चाहते हैं क्योंकि हम साउथ से हैं। बस फिर क्या था, जेबा के इस वीडियो को शेयर करते ही इंटरनेट पर बवाल मच गया, जहां रामचरण के फैंस का ये कहना है कि कैसे SRK एक ग्लोबल स्टार को तू कह के बुला सकते हैं या फिर इडली वड़ा रामचरण ऐसा कह के बुला सकते हैं। दूसरी तरफ SRK फैंस का ये कहना है कि भाई इसमें क्या हो गया, SRK रामचरण से सीनियर है, बड़े है, तू कह के बुला दिया तो इसमें क्या हो गया। सी, यहाँ पर तू कह के बुलाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, SRK सीनियर है और हो सकता है SRK और रामचरण के बीच ऐसा बॉन्ड हो, ऐसी फ्रेंडशिप हो कि वो एक दूसरे को ऐसे बुला सकते हैं, तो ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट है कि इडली वड़ा रामचरण ऐसा कह के बुलाना ये फैंस को बहुत खटका है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि इडली वड़ा कह के बुला दिया तो इसमें क्या गलत हो गया। तो देखिए, हमारा ये जो देश है ना, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है और हर अलग कल्चर में लैंग्वेज और कपड़ों के साथ साथ फूड्स भी अलग है, जो अलग अलग कल्चर की पहचान है। जैसे गुजरात में जलेबी फाफड़ा, वैसे ही साउथ में इडली और डोसा। तो जब आप पर्टिकुलर इसी चीज को इंडिकेट करते हुए किसी को बुलाओगे तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि ये उनकी पर्सनल चीजों पर हमला हो रहा है। बात तो सही है। और कई लोगों की ऐसी कमेंट्स भी आ रही है कि जिस तरीके से SRK ने रामचरण को इडली वड़ा कह के बुलाया, वैसे ही अगर रामचरण ने जवाब में SRK जहाँ से आते हैं उसी किसी पर्टिकुलर चीज को इंडिकेट करते हुए SRK को बुलाया होता तो क्या ये चलता? सी, हियर आई एम नॉट सेइंग कि SRK ने ऐसा कुछ जानबूझ के किया होगा या फिर उनका कोई ऐसा मतलब भी होगा या इंटेंशनली ऐसा कुछ किया होगा, ऑफकोर्स नॉट। हो सकता है SRK ने ये फ्लो में फ्रेंडशिप में कह दिया हो, क्योंकि देखिए उसके बाद की अगर आप क्लिप देखे ना तो SRK ने रामचरण को झुक के वेलकम किया है स्टेज के ऊपर, तो अगर उन्होंने इंटेंशनली ऐसा कुछ किया होता तो बाद में रिस्पेक्ट भी क्यों देते। बट पॉइंट इज कि जब आप एक पब्लिक फिगर हो और आप एक ऐसे स्टेज पर हो जहाँ पर दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं और आपकी हर एक कही हुई बात अच्छी या बुरी एक चर्चा का विषय बन सकती है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। तू समझा ना? क्योंकि देखिए, शायद रामचरण को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा, उन्होंने ये फ्रेंडशिप में ले लिया होगा, लेकिन उनके जो फैंस है, जो उनके चाहने वाले है,
उनको ये बात बुरी लगी है। तो आपको उनसे जुड़े हुए लोगों को ध्यान में रखते हुए कुछ बोलना चाहिए। एसआर के एक सीनियर स्टार है, इतने बड़े स्टार है, तो उन्होंने ये कुछ भी जानबूझकर नहीं किया होगा। उनकी ये पैटर्न रही है कि हमेशा से वो ऐसे स्टेज पर मस्ती मजाक करते रहते हैं, तो उन्होंने इंटेंशनली ऐसा कुछ किया हो ऐसा नहीं लगता। बट हाँ, रामचरण के फैंस और कुछ लोगों की नाराजगी आप सोशल मीडिया पर देख सकते हो एसआरके के लिए। वैसे एसआरके और रामचरण की तरफ से अभी तक इस कंट्रोवर्सी पर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया। वैसे आप मुझे बताइए कि आपको इस कंट्रोवर्सी में कौन सही लगता है और कौन गलत, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।